सैया ने देखा ऐसे हम हो गए ये पानी पानी। दोस्तों ये मिला है मेरे को कप ओलंपिक का और पियेंगे इसमें चाय देसी। नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रॉन यूट्यूबर, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। और आज मैं चल रहा हूँ एक राइड पे और मैं रेडी हो गया हूँ मेरे कैमरा और अपने हेलमेट के साथ। फिर आज का हमारा लोकेशन है संक नदी। सोच रहे होंगे कहाँ है ये भाई संक नदी, ये पड़ता है आपके तिगरा डैम के तरफ। तिगरा डैम के तरफ मतलब ये होता है कि पनियार के तरफ। ये है तिगरा डैम का एक छोटा सा टुकड़ा, इसका मतलब है तिगरा डैम जो है इसी नदी पर बसी हुई है। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी समझा देता हूँ और अभी पहले हम चलते हैं, यहाँ से निकल पड़ते हैं और दोस्तों से मुलाकात हो रही है हमारी सीकेडी के पास, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने तो अभी अपना सफर शुरू कर दिया है, राइड शुरू कर दिया है, पर परेशानी ये है ऊपर देखो यार बादल छा रहे भाई बारिश की बूंदे टपकने लगे भाई, हमें कहाँ रुकना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ी देर की बारिश की हालत देखो यहाँ पे ऐसी हुई है। दोस्तों पहली बार मेरे एक्शन कैमरा को मैंने बारिश में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसके लिए भी आज एक टेस्ट है। अगर ये हुआ खराब तो मेरा मुंह काला, नहीं तो लाइफ जिंगा लाला। दोस्तों ये चीज यहाँ देखो यार भाई, मुझे लगा सुपरी लिंगड़ में बारिश बरसा रही है भयंकर तरीके से, यहाँ तो एक बूंद भी नहीं टपका, क्या बात है ऊपर वाले बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हो कैसी धूप निकली हुई है, चेहरा तो मेरा चमक रहा है इस धूप में, है ना। जब हम निकले थे वहां से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और अभी एक पानी का एक बूंद तक यहां पर नहीं है इस एरिया में, आप देख लीजिएगा। वैसे ये वाटरप्रूफ केस है, कुछ भी नहीं होगा इसको, पर एक टेस्टिंग के लिए मौका भी मिल गया हमारे पप्पन भाई। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम जा रहे हैं संक नदी पे। नाम तो बहुत कम ही सुना होगा लोगों ने यहाँ पे संक नदी। अभी एक्चुअली क्या नदी नहीं है, क्योंकि जो पैसारी डैम है उसके बाद काकेटो डैम है, फिर बन गया यहाँ पे ग्वालियर का तिगरा डैम, इसके बीच में जो चलती है ये नदी। तो अभी फिलहाल क्या डैम होने की वजह से यहाँ पे पानी है नहीं है, तो इसको ज़्यादातर लोग कोई पहचानते नहीं है। ओके इसको हम नदी नहीं बोल सकते, एक्चुअली स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब समझ में, जहाँ से पानी जो छोड़ा जाता है वो पानी यहाँ पर अपने तिगरा रिजर्वायर के अंदर बढ़ जाता है। और ये है तिगरा से साउथ ईस्ट की तरफ है, ओके साउथ ईस्ट में। और ये करीबन मेरे ख्याल से 215 मीटर की लंबाई पे फैला हुआ है ये जो नदी है। और देखते हैं कैसा लगता है और कितना पानी है और कितनी हरियाली है, ये सब आपको मैं दिखा देंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से। बंदर बंदर ए बंदर मामा। हाँ दोस्तों हम आगे अभी शिवपुरी लिंक रोड से हम ले रहे हैं क्रॉस कट। रुको जरा सबर करो और अब निकलो। तो दोस्तों हम आगे पनियार पे, यहाँ शायद हमें लेना पड़ेगा नलकेश्वर रोड का साइड, ये जो रास्ता गया यहाँ पर, ये जो कट यहाँ पे पनियार पे बिल्कुल पनियार पे, तो ये रास्ता जाता है अभी नलकेश्वर की तरफ। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक बोर्ड, आप देख सकते हो सोन चिड़िया अभयारण्य घाटियाँ। ओके ये है घाटी गांव और इस रास्ते पे जाना है अभी। तो दोस्तों हम पनियार पे रुके हैं थोड़ा सा, यहाँ से हमने ले लिया दूध और कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे रबड़ी बन रही है भाई। भैया स्माइल तो दोस्तों हमने शुरू कर दिया अपना दोबारा यहाँ से राइड और ये देखो भाई शानदार। दोस्तों ये पूरा रास्ता नलकेश्वर के रास्ते की तरह ही लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो है तो नलकेश्वर का ही एक टुकड़ा है, ये पूरा जगह पे पानी भरा रखा हुआ है, मिट्टी का रास्ता है। यहाँ पर आ गया थोड़ा सा कठिन जगह, हमारे दोस्त सामने खड़े हैं सोच रहे कैसे निकलो यार भाई, ओ असल में दिक्कत ये कि बहुत मिट्टी है यहाँ पर। अगली बारी हमारे डेविड सर की, चलो हम भी निकलते धीरे धीरे। अरे बाप रे फिसल तो रहा है, मेरे जूते तक फिसल रहा है, क्या करें।
अम्मा। चलो ये देखो दोस्तों, ये देखो क्या बात है। ये है नजारा आसमान के साथ और हरियाली के साथ, पानी के साथ, पत्थरों के साथ। ये है हमारे दोस्त यहाँ पर, ये अपने डेविड भाई वहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए। देखो दोस्तों यहाँ से पानी आ रहा है और छोटे छोटे मच्छियों बहुत सारे यहाँ पर हैं। और ये पूरा नजारा, और ये सबसे प्यारे मेरे पत्थर, बहुत प्यारे मुझे पत्थरों से। आ रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्या शानदार, क्या शानदार, बहुत ही मस्त है। सारे भाई लोग यहाँ पर है हमारे और बाकी लोग सब यहाँ पर खड़े है और मैं आपको ले आया हूँ इस जगह पे। तो ऐसी जगह पर जब आते हैं ना, जो खुशी मिलती है ना, मैं कैसे व्यक्त करूँ। आपको खुद आना पड़ेगा ऐसी जगह पर और आपको यहाँ पर अपनी अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, आराम से बैठ सकते हो पानी के पास, है ना, सही है, बहुत शानदार। तो ये देखो तो कितना साफ पानी है, बिल्कुल कांच की तरह, बिल्कुल साफ है और छोटे छोटे मच्छियां इसके अंदर। और ऐसे पानी में अगर हम मुंह नहीं धोएंगे, हाथ नहीं डालेंगे तो क्या मतलब बनता है यार दोस्तों। दोस्तों सच में बहुत मजा आता है, पानी बिल्कुल ठंडा है, चिल्ड है एकदम से, नेचुरली चिल्ड है, नेचुरली चिल्ड है, सही बता रहा हूँ। क्या हो गया भाई? मजा आ रहा है। छोटू देख लो, पानी से तैरते पानी के साथ यहाँ तक पहुँच गया। दोस्तों अभी तो सिर्फ हम एक छोटे से झरने पर पहुँच चुके हैं, हमें असली नदी पे जाना है। यहाँ से हम निकलते हैं अभी दूसरे, मतलब पूरी तरीके से जो नदी है, संक नदी की तरफ। तो कहाँ से चढ़ना, हम तो इधर से कूदे थे, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपको नदी पे। देखो दोस्तों यहाँ से बह रहा है पानी बगल बगल से और ये है रास्ता सामने पहाड़, इसके पीछे आएगा आपका तिगरा डैम। भाई साहब यार क्या बात है, क्या नजारा है, सामने देखो यार, सामने देखो संक नदी। ये देखो कुछ बाइकर्स यहाँ पे अपनी गाड़ियां धो रहे हैं और हम पहुंच गए बेहतरीन व्यू पे, बेहतरीन व्यू, मजा आ गया कसम से। दोस्तों फिर से आ गए एक ऐसी बेहतरीन जगह पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक पुलिया और ये जगह पे देख सकते हैं आप शानदार नजारा। ये है पानी बहुत बढ़िया तरीके से बह रहा है यहाँ पर, देख सकते हो क्या नजारा है। और ये जो अपने भाई लोग यहाँ पे कुछ गाड़ी वाड़ी धो रहे हैं इसमें और अपनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है बेहतरीन जगह पर, शानदार नजारे में। पानी का मजा किसको नहीं चाहिए यार, गर्मी से राहत किसको नहीं चाहिए यार। देखो इधर ये हमारे भैंसे, ये सारे के सारे पानी का मजा ले रहा है यहाँ पे, बढ़िया तरीके से यहाँ पे लेटे हुए हैं। और हमें अभी चलना होगा नदी की तरफ, अभी यार भाई चलो यार, अभी बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है, चलो निकलो फटाफट निकलो, चलो चलते हैं और हम भी ऐसे लेट जाएंगे जैसे लेटे हैं। दोस्तों यहाँ देखो ये खेत का इलाका हरियाली से भरा हुआ है, हरियाली से। ओके दोस्तों अब पहुंचने वाले हैं हम नदी के पास। दोस्तों हम पहुंच गए संक नदी के तट पर, आप देख सकते हैं वहाँ पे काफी गाड़ियां भी है, काफी दर्शक लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आपको नजर आएगा आसपास में सारा पहाड़। सामने आपको नजर आ रहा है पहाड़, ये तिगरा वाला है, उसकी उस तरफ है तिगरा डैम, उस तरफ बसा हुआ है। और ये है पूरा शानदार नजारा। दोस्तों ऐसे नजारे ऐसी जगह पर अगर आके मन बड़ा खुश हो गया है। ये देखो क्या क्लीन है भाई, क्या क्लीन है, फिल्टर है, ये फिल्टर पेपर बन गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत शानदार बढ़िया सा पानी यहाँ पे बह रहा है। अभी थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है इस वक्त यहाँ पे और काफी लोग यहाँ पे परिवार वगैरह आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप अपना पिकनिक मना रहे हैं वो लोग, बढ़िया पानी है। ये है असली जिंदगी, ये देखो क्या मजेदार खूबसूरती के साथ, फ्रीडम के साथ यहाँ निकलते हुए। वाओ
दोस्तों वो सामने आपको नजर आ रहा है ये नलकेश्वर का पहाड़ है। तो पानी यहाँ से बहते हुए आता है और ये जाता है तिगरा के पहाड़ पे चलता है, वहां पे उस पार है तिगरा रिजर्वायर जहाँ पानी इकट्ठा होता है। दोस्तों आज की ये लोकेशन आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। गाड़ी फंस गई है, निकल जाएगी। ये क्या है ना, टायर स्लिप हो रहा है इधर से। अभी तो और गड्ढे में जाएगा यार भाई। जो ये पंजाब की ताकत। दोस्तों हमें थोड़ा और मस्ती करना था, हम तो अभी पहुंचे हैं, हमें नहाना है, थोड़ा सा स्विमिंग करना है, कुछ शॉर्ट्स लेने हैं, पर ये जो बारिश शुरू हो गई भाई, क्या करे यार, शानदार नजारा पेड़ के साथ। और ये हमारे अंकल जी लोग कैसा लग रहा है अंकल जी? अरे आप लोग तो शानदार, बढ़िया, आराम, मजे करते यार दिन में है, यहीं पर है ना। हम लोग तो बस एक दिन के लिए आए हुए हैं, देखो उसमें भी बारिश है। भाई यहीं टेंट लगा के बैठ जाए हम इधर ही। दोस्तों मैं ले चलता हूँ थोड़ा आप लोगों को पानी की तरफ। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, पता नहीं कितना गहराई है यहाँ पे, कैसा है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, पर आप देख सकते हो क्या शानदार फूल यहाँ पर है, मस्त नज़ारा है। और ये जो पूरा नज़ारा, पत्थर क्या खूबसूरती है यार इसकी, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जा रहा हूँ अंदर, ये आप देख लीजिएगा। मैं आया हूँ पानी में, मिट्टी है पूरी जगह पर, शानदार यहाँ पर देख लीजिए, वाह वाह वाह, ये देखो दोस्तों क्या नजारा है। हम सोच रहे थे इसमें थोड़ा सा डुबकी मारे और थोड़ा नहाया जाए, अपना बदन को थोड़ा ठंडा किया जाए। इस नज़ारे का लुत्फ तो उठाना किसी किस्मत में है उसी को मिलता है भाई, ऐसे नज़ारा का लुत्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। जो पहाड़ों के, जो नेचर के करीब है उन्हीं की किस्मत में है, आराम है नेचर के लावर। आओ आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, वाह या ओ मजा यार, मगर ये लवली, ओ लवली डेविड भाई, आजा आजा ये आजा यार, अभी मारते हैं हम डुबकी पानी में। दोस्तों ज्यादा पानी है नहीं है, आप देख सकते हो बारिश हो रही लगी है, मेरे मोबाइल को बचाना है, जाना पड़ेगा भाई। ये दोस्तों देखो वहां पे चल रहा है एडवेंचर, पानी में से गाड़ी को लेते हुए जा रहा है। ये क्या कर दिया, कून कून कर दिया, बड़ा कर दिया ने उंगली को। चलो हमें पेटिस खा लेते हैं, बढ़िया तो थोड़ा सा डाल देना, ज्यादा नहीं, बस 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 काफी है। ओ ये नहीं, ये हमारी चाय हो गई, पानी पानी बारिश की वजह से, इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस बाहर खुले में रख दो पानी गिर जाएगा। बढ़िया डेढ़ भाई हमारे आज चाय बना रहे हैं, मस्त। ये हमारा सिलेंडर पड़ा है बेचारा लावारिस। चलो अभी तैयार करते हैं हम, यही रख देना पत्थर में पास, थोड़ा पानी गिर जाएगा तो कोई ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बादल छाए हुए काले काले, अभी बारिश तो हो ही रही है और अभी जबरदस्त बारिश और होने वाली है, शानदार बारिश होने वाली है। और ये हमारे दोस्त लोग चाय वाय का इंतजाम हो गया है, चाय पीने जा रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ी देर और मस्ती करते हैं फिर यहाँ से हम निकलते हैं, फिर एक बार जरूर इस जगह पे आएंगे। क्यों भाइयों दोबारा आओगे यहाँ पे? आएंगे आएंगे, कैंपिंग करेंगे यहाँ पर और खाना पीना हो जाएगा, दाल बाटी दोबारा, चाय भी पियेंगे जरूर। तो ये देख सकते हो आप जंगल में कैसे सर्वाइव होंगे, इस तरीके से ग्लास बनाएंगे। ये हमारी चलनी। दोस्तों ये मिला है मेरे को कप ओलंपिक का, और पियेंगे इसमें चाय, देसी कप है एकदम। आह कप क्या देख रहे हो, चाय तो मजा आ रहा है, टॉप की है, टॉप की कसम, शानदार बनी है, शानदार। जोन सर दिखाइए आपका कप कैसे स्टाइल का है, वाह ऐसे बोलते सही जुगाड़। ओ दोबारा दोबारा पानी के अंदर आ रहा हूँ मैं, ये क्या है पत्थर, ये कैसा पत्थर है, अच्छा ये पत्थर तो किसी ने रख दिया भाई, मुझे लगा इतना बड़ा पत्थर कैसे खड़ा हो गया यहाँ पे। पत्थर का गाना सुनो क्या,
अरे यार मजा आ रहा है, क्या बोलो, गाना सुनने में, गाना सुनाने में मजा आ रहा है। सुना सुना गाना सुना। हम है अभी पानी में और हो गए पानी पानी, सैया ने देखा ऐसे हम हो गए पानी पानी। मेरे को गाना आया ड्रोन, ड्रोन से कहा भाई उधर उड़ रहा है ड्रोन। ये बाबा, ये बाबा, पता है यहाँ पे क्या हो रहा है जानते हो? जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पत्थर के सहारे ऐसे खड़ा हूँ, पानी बहाओ उस तरफ पे, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में हमें खींचते हुए ले वहाँ। ये जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहा है, ये है ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, हमारे मेहता भाई ड्रोन उड़ा रहा है। अरे यार ऐसा करो ना, देख सकते आराम से मैं बैठा हुआ हूँ पत्थर के सहारे यहाँ पर। ये आगे जलपरी आज जाने की जिद ना करो, जलपरी नहीं ये तो जलपरी है। क्या बोलो इस नजारे के बारे में, ब्लॉग को समाप्त करने का और यहाँ से विदाई लेने का। मेरा मन तो नहीं कर रहा, पर ध्यान रखा करो दोस्तों, दोबारा हम आएंगे इस जगह पर, दोबारा हम आएंगे, ऐसी जगह हम कभी नहीं देखी है पहली बार ग्वालियर में ऐसी शानदार जगह। ओके, आप लोगों को लेके आए हैं हम ऐसी शानदार जगह जहाँ पे आप आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं है, इतना ही पानी है, आप मजे कर लीजिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, बताइए कैसा है ये जगह। अगर आप आना चाहते हो तो बताइए, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं भी जाऊंगा, ठीक है, मैं भी जाऊंगा मम्मा, मैं भी जाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।